है, तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स हम देख रहे थे, तो यहाँ से हमें कोड मिल जाएगा, ठीक है। कोड जो है क्लाइंट को हम कैसे भेजेंगे, ये कोड भेज देंगे क्लाइंट को हम, ठीक है। तो क्लाइंट जो है वेबसाइट पे कोड डलवा देंगे अपने डेवलपर से, तो फिर जो है हमारा यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो क्लाइंट ने हमें शेयर कर रखा है वो हम एक बार चेक करते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको यहाँ से चीजें बताते जाएंगे। ये हमारा व्हाट यू विल लर्न अबाउट गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। हम गूगल एनालिटिक्स में क्या सीखेंगे, ये क्या देखेंगे, इसमें वो सारी चीजें इसमें दिया हुआ है पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट है हमारा रियल टाइम में कितने यूजर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस पेज पे आ रहे हैं, ये सारी चीजें दिखाएगा। ऑडियंस में कहाँ से ऑडियंस हमारी आ रही है, ये सारी चीज़ें। एक्विजिशन में बिहेवियर, कन्वर्जन, ये इतने पॉइंट हैं हमारे। इनमें और भी सब ऑप्शंस हैं, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे एक बार, ठीक है। तो रियल टाइम में कैसे दिखता है हमें, यहाँ पे जैसे हमने ये रियल टाइम में ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी यूजर एक्टिव यूजर होंगे हमारे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है तो उसमें बहुत सारे फ्लिपकार्ट वगैरह है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें दिखाएंगे यूजर, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट तो ओपन करके ही रखते हैं, ठीक है, मोस्टली लोग यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पे 100-150 हज़ार के आसपास दिखाएगा आपको नॉर्मली, ठीक है। अभी जो है हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे अगर हमने ओपन कर रखा है कहीं भी, तो वो जो हमारा यहाँ पे शो होगा रियल टाइम में, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं अपनी वेबसाइट, हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है ना, ये हमने ओपन कर रखा है। ये आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारा 5 राइट नाउ, अभी जो है 5 यूजर ने हमारी वेबसाइट को ओपन कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि कौन कौन से पेज ओपन कर रखा है। जो ये पेज है हमारा बोटैनिकल इन्फ्यूज्ड बाथ साल्ट, ये जो हमारा दो दो जगह ओपन रखी है, ठीक है। ये जो हमारा पेज है प्रोडक्ट पेज है, ये हमारा दो एक्टिव यूजर इसमें है, ठीक है। जो हमारा होम पेज है, ये हमारा होम पेज है, ठीक है, थर्ड नंबर पे, इस पे हमारा 1 दिखा रहा है। और जो शॉप वाला पेज है हमारा, उस पे भी 1 दिखा रहा है, ठीक है। तो टोटल जो है 6 यूजर जो है एक्टिव है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर पे क्या दिखा रहा है, हमारा लोकेशन। अब हम देख अगर हम देखना चाहते हैं कि कहाँ से जो है हमारी वेबसाइट ओपन हो रखी है, कहाँ से, यहाँ पे आपको ऐसे दिखाएगा, मैप में दिखा देगा कि कहाँ से जो है यूजर हमारे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम एक बार लोकेशन पे क्लिक करेंगे, लोकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां से हमें देखो इंडिया से 2 यूजर हमारे हैं, एक तो हम ही हो गए, यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है तो हमें हमारा भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। यूएस से जो है 2 यूजर आ रहे हैं, ठीक है। कनाडा से 1 यूजर कनाडा से हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि किस कंट्री से हमारे यूजर आ रहे हैं। अब सेकेंड नंबर क्या है, ट्रैफिक सोर्स। ट्रैफिक सोर्स में हमारा क्या दिखाता है कि कैसे यूजर जो है हमारी वेबसाइट पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे दिखा रहा है नन, एंड सोर्स में दिखा रहा है डायरेक्ट। मीडियम में क्या है नन, सोर्स में दिखा रहा है डायरेक्ट, और यहाँ पे 3 यूजर दिखा रहा है। मीडियम का मतलब नन है, मतलब कि किसी मीडियम से नहीं आए हैं। सोर्स में हमारा डायरेक्ट दिखा रहा है। डायरेक्ट मतलब ये होता है कि डायरेक्ट जो है हमारी वेबसाइट ओपन किया गया है। मतलब अगर हमने मान लो कि यहाँ पे सीधे न्यू टैब ओपन किया और हमें वेबसाइट पता है, जैसे कि हमें फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये वेबसाइट के नाम पता है ना, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, amazon.com ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर हमने डायरेक्टली vertly.com
vertly.com यहाँ से ओपन किया है ऐसे क्लिक करके, यहाँ पे URL डाल के सर्च बार में, तो यहाँ से हमें ये जो हमारा जो दिखाएगा उसमें, तो वो जो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में जो हम फिर यहाँ पे शो हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक जो दिखा रहा है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो गूगल सर्च से अगर किसी ने हमारी वेबसाइट ओपन किया है, मान लो कि हमने यहाँ पे गूगल ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे हमने google.com ओपन किया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने कोई मतलब अपनी जो हमारी वेबसाइट में प्रोडक्ट लिस्ट है वो प्रोडक्ट मान लो सर्च किया, और उससे हमारी वेबसाइट आ रही है टॉप पे या टॉप सेकंड पे थर्ड पे आ रही है, वहाँ से अगर हमने ओपन कर दिया, मान लो हमने यहाँ पे वर्टली सीधे सर्च किया है वर्टली, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अमेजोन ऐसे गूगल पे मान लो कि हमारे पास ऐप नहीं है और हम अमेजोन से कुछ देखना चाहते हैं, अमेजोन में कोई भी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, तो हम सीधे गूगल पे जाके फ्लिपकार्ट सर्च कर देते हैं, फिर ऊपर ही उसकी वेबसाइट आ जाती है, जैसे हम अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट डालते हैं, तो वहाँ से हम फिर उसको ओपन करेंगे, तो वो जो हमारा यहाँ पे काउंट होगा वो क्या काउंट होगा, वहाँ पे ऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रैफिक हमारा होगा वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा, ठीक है। यहाँ से हमने वर्टली सर्च किया यहाँ पे, अब यहाँ से हमारा वर्टली बाम ये एक वेबसाइट है हमारी, पहले जो क्लाइंट ने इसका URL मतलब URL था पहले जो था हमारा vertlybaum.com था, ठीक है, फिर ये क्लाइंट ने जो है एक नया URL परचेज किया था vertly.com, तो पहले हमने इस पे काम किया था, तो हमारी ये वेबसाइट जो है टॉप पे आती है वर्टली पे भी, जो अभी जो नया vertly.com ये URL है जो ये हमारा जो है अभी फर्स्ट पे नहीं आता है, तो इसको हमने vertly.com ऐसे करके सर्च कर लेंगे, तो फिर हमारा ये जो है आ जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है। अब जो है हमने अगर इस पे क्लिक किया, यहाँ से अगर हमने इस पे क्लिक करके ओपन कर लिया वेबसाइट, तो ये जो हमारा ट्रैफिक जो यहाँ पे दिखाएगा वो जो ऑर्गेनिक में दिखाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक में दो हो गए ना, अभी हमने जो ये वेबसाइट ओपन करी है यहाँ पे, तो ये दो हो गए हमारे, और यहाँ पे सोर्स क्या है हमारा, सोर्स गूगल दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम याहू से याहू सर्च इंजन में या फिर बिंग सर्च इंजन में या फिर चाइना के जो भी सर्च इंजन होते हैं, किसी भी सर्च इंजन से हम अब वेबसाइट पे जाएंगे तो वो हमारा ट्रैफिक क्या होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई ना? यस सर। ठीक है, अब कंटेंट में आते हैं, तो कंटेंट में हमारा क्या दिखाएगा कि जो कौन सा पेज हमारा ओपन हो रखा है, ठीक है, तो उसमें उसमें जो है सर आपने तो बोला था ये वर्टिकल दो थे, तो फिर वो कॉनिकल टैग लगाना पड़ेगा ना, दोनों को कंटेंट सेम होंगे ना बेसिकली? हाँ, वो आप जो बोल रहे हैं आप सही कह रहे हैं, vertly.com अगर जो है सेम कंटेंट डाल रखा है क्लाइंट ने वैसे सेम ही वेबसाइट पूरी वेबसाइट ही कॉपी किया था अपनी, जो पुराना vertlybaum.com था उसको सेम वेबसाइट कॉपी कर दिया था vertly.com पे, ठीक है। तो हमने क्लाइंट को दो तीन मेल किया है हर वीक, मतलब वीकली मेल करते हैं कि आप अगर वेबसाइट या तो आप वेबसाइट का कंटेंट डिजाइन वगैरह कंटेंट चेंज कीजिए, मतलब प्रोडक्ट तो सेम हो सकते हैं क्योंकि जो फ्लिपकार्ट बेचता है वो अमेजोन पर भी प्रोडक्ट होते हैं हमारे, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट तो हमारे सेम रहेंगे, लेकिन जो कंटेंट वगैरह है, जो भी कंटेंट है हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ें चेंज करवा दें, ठीक है। नहीं तो जब भी मतलब कभी भी जैसे ही कोई अपडेट आएगा या फिर कुछ भी एल्गोरिथम अपडेट आएगा, तो जो हमारी वेबसाइट जो है एक स्पैम हो जाएगी, या तो फिर हमने ये भी बोला था, क्लाइंट को सजेस्ट किया था कि अगर आप आपको ये वाला URL मतलब आप चाहते हैं कि ये वाला URL हमारा रहे, तो आप जो है क्या करो कि जो पुराना URL है हमारा vertlybaum.com उसको आप जो है रिडायरेक्ट करवा दो इस वाले पे, तो जो हमारा पुरानी वेबसाइट का ट्रैफिक था जितना, तो वो इस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्लाइंट को मेल करके सजेस्ट किया था, ठीक है, तो क्लाइंट ने बोला कि हम जो है करवा देंगे, चेंज करवा देंगे कंटेंट वगैरह डिजाइन वगैरह चेंज करवा देंगे, ठीक है। ये चीज़ें मतलब आप लोगों को समझ में आ रही हैं जो चीज़ें बताई जा रही हैं, इसलिए आपको ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हाँ चलो, तो ये हमारा क्लियर हो गया, कंटेंट में हमारा क्या दिखाएगा, ओवरव्यू पे हमारा ओवरव्यू पे सारी चीज़ें दिखाएगा एक ही स्क्रीन पे, लोकेशन पे हमारा लोकेशन दिखाएगा कि कहाँ से यूज़र आ रहा है हमारा, किस कंट्री से आ रहा है। अब
अगर और डीप में आप जाना चाहते हैं ना, तो लोकेशन पे आप जैसे गए, ठीक है, यहाँ पे आपने अगर कनाडा पे क्लिक किया तो आपका सिटी भी दिखाएगा। यहाँ पे देखो किस सिटी से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सिटी भी दिखाएगा हमारा कि किस सिटी से हमारा आ रहा है, ठीक है। सर इंडिया में भी है तो फिर इंडिया का क्यों नहीं दिखा रहा था? नहीं अभी जो है ये देखो, अगर हमने ओपन करके वो ब्राउजर वो कर दिया ना, अब यहाँ पे जब हम एक्टिव नहीं है, हमने वेबसाइट ओपन करके अब छोड़ दिया उसको, उस टैब को हम देख ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ से वो हट जाएगा। हम उसको ओपन करके छोड़ दिया अगर हमने, तो यहाँ पे अब नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी इस पे प्रोडक्ट देख रहे होते, चेक कर रहे होते, तो वहाँ पे दिखाते। जैसे हम यहाँ पे मान लो कि शॉप पे अभी ये ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फिर शो हो जाएगा। अभी अभी ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम टोरंटो में देख रहे हैं ना सीधे, और भी पे जाएंगे तब दिखाएगा, ये सारी सारे जितने भी ओपन होंगे तो तभी दिखाएगा। यहाँ पे पर क्लिक करो आप, यहाँ से ये जो हमने ये हमें हटाना है, अब देखो यहाँ पे इंडिया आ गया ना। Yes, okay. ठीक है, एक तरह से वो फिल्टर लग जाता है, जैसे हम फिल्टर लगाते हैं ना, जैसे आप वेबसाइट पे जैसे फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करते हैं तो आप फिल्टर लगा देते हैं कि मतलब या सॉर्टिंग कर देते हैं आप इसको डेट की बोलते हैं, कोई कोई एक ब्रांड सब कुछ छुपा के रखता हूं जबकि, ठीक है म्यूट कर दिया हमने। चलो तो अब जो है हमें जो है वहां पे अगर हमने किसी अगर इंडिया पे क्लिक कर दिया तो इंडिया के भी सारे शो हो जाएंगे। अगर इंडिया में चार पांच सिटी से लोगों ने वेबसाइट ओपन कर रखी है तो सिर्फ इंडिया का ही शो होगा यहाँ पे, ठीक है। यूएस पे हमने अगर क्लिक कर दिया तो सिर्फ यूएस का ही देखेगा, ठीक है, वो एक तरह से फिल्टर लग जाता है उस पर। तो यहाँ से हमारा ट्रैफिक सोर्स भी हमें पता चल गया। अभी नीचे हम ट्रैफिक सोर्स और भी नीचे डिटेल में देखेंगे। ये अभी जो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है ये ऑर्गेनिक हमारा दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो ये पेजेस खोला है था ये ऑर्गेनिक से ओपन किया था ना, तो वही हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक दिखा रहा है। और ये डायरेक्ट जो है यूएस से जो किसी बंदे ने खोला होगा तो वो जो है डायरेक्ट दिखा रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट भी दिखा रहा है, ओके सर। यहाँ पे इवेंट इवेंट में दिखा रहा है। इवेंट में जो है क्या करते हैं कि जब हम गूगल टैग मैनेजर यूज करते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इवेंट के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे इवेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा नहीं है। कन्वर्जन हमारा क्या होता है कि कन्वर्जन हम सेट करते हैं। अभी कन्वर्जन एक इंडिविजुअल देखो अलग से दिया हुआ है, इस पर हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा आगे क्या है इसमें। ये रियल टाइम समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसा हिस्ट्री का नहीं रहता, मतलब पिछले मंथ कितना है ऐसा कुछ नहीं रहता कि इसमें करंट दिखा रहे हैं अभी? हाँ देखो ये हम रियल टाइम देख रहे हैं ना, जब रियल टाइम अभी देख रहे हैं तो सिर्फ हमें रियल टाइम ही दिखाएगा अभी। अब जैसे हम अब नेक्स्ट हम ऑडियंस में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ऑडियंस में जैसे ही हम ओवरव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो ये हमारा डिटेल है। अब यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो ये जो दिखा रहा है हमारा 13 जनवरी से 19 जनवरी तक का दिखा रहा है, ठीक है, मतलब कि मान लो कि 1 वीक का दिखा रहा है अभी यहाँ पे, इसको है ना 1 वीक का दिखा रहा है मैं। तो यहाँ से देखो यहाँ से हमें देखो क्या क्या चीजें दिख रही है यहाँ तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? ये सर मिस जो हिस्ट्री मतलब प्रीवियस जो विजिट हुए पूरे यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं कितना प्रीवियस कितने डेट में कितना। बिल्कुल बिल्कुल देखो यहाँ से हमारा देखो ये 7 डेज का डेटा दिखा रहा है सिर्फ, है ना, 7 डेज का डेटा दिखा रहा है हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज में हमारे कितने यूजर आए थे, 2382, ठीक है, इतने यूजर आए हैं। इसमें से न्यू यूजर कितने हैं,
मतलब कि कुछ यूजर नए होते हैं जो कि पहली बार वेबसाइट को विजिट करते हैं, कुछ यूजर होते हैं कि पहले भी हमारी वेबसाइट पे, जैसे आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं तो आपने आज कुछ आपको परचेज करना है तो आपने आज ओपन किया, फिर आपने कल परसों आपको कुछ और रिक्वायरमेंट हो गई, आप चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट से फिर खरीदेंगे तो फिर आपने खोल लिया, तो आप जो है रिटर्न न्यू यूजर नहीं होते हैं। यहाँ पे टोटल यूजर हमारे 2382 है, इसमें से न्यू यूजर जो है इतने हैं, सेशन हमारे इतने आ रहे हैं। मतलब सेशन मतलब क्या होता है कि जैसे एक यूजर ने दो तीन बार वेबसाइट ओपन किया, ठीक है, तो वहां पे वो सेशन में काउंट होता रहता है ना। अब नंबर ऑफ सेशन पर यूजर, मतलब कि इसमें एवरेज दिखा रहा है कि मतलब एक यूजर ने इतने बार मतलब वेबसाइट को ओपन किया, 1.12, ठीक है, एवरेज दिखा रहा है ना, तो इसमें पॉइंट में आ रहा है। जैसे कि मान लो दो यूजर ने वेबसाइट ओपन किया, उसमें से एक यूजर ने दो बार कर दिया, ठीक है, तो ऐसे हमारा एवरेज दिखाता है। इसमें पेज व्यूज दिखा रहा है, मतलब कि कितने पेज व्यूज किए, ठीक है, पेजेज पर सेशन, एक सेशन मतलब एक बार जैसे हमने वेबसाइट ओपन किया, एक बार हमने वेबसाइट को विजिट किया तो एक बार में हमने कितने पेज ओपन कर लिए, ठीक है, जैसे हम एक बार हमने इसको इस वेबसाइट को ओपन किया तो पहले होम पेज ओपन किया था, इसके बाद शॉप पेज ओपन किया है इसका, तो हमारा दो दो हो गए ना, तो पेजेस पर सेशन ये चीज दिखा रहा है इस पे, है ना। यहाँ पे एवरेज सेशन ड्यूरेशन दिखा रहा है, यहाँ पे बाउंस रेट दिखा रहा है। बाउंस रेट क्या होता है, बाउंस रेट हम आपको बताएंगे अभी। बाउंस रेट ये होता है जैसे आपने ओपन किया वेबसाइट और तुरंत आपने क्लोज कर दिया, तो ये हमारा बाउंस रेट में काउंट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा, यहाँ से और भी डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ से जो हम रिपोर्ट भेजते हैं क्लाइंट को, तो हम क्या करते हैं यहाँ से जो है लास्ट 30 मतलब वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट भेजते हैं, तो उसमें हम गूगल एनालिटिक्स जो है रिपोर्ट लगाते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लास्ट 30 यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, देखो लास्ट 7 डेज आ रहा है, दिख रहा है ना ये आप लोगों को? यस सर। ठीक है, लास्ट 30, लास्ट 7 डेज, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, यस्टरडे, टुडे, कस्टम करना चाहते हैं आप एक दो, मतलब आप कभी मतलब कस्टम करके 10 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का, 9 दिन का, कितने दिन का भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से हम जब क्लाइंट को रिपोर्ट भेजते हैं तो हम यहाँ से लास्ट 30 कर लेते हैं, जैसे हम आज रिपोर्ट बना रहे हैं तो लास्ट 30 डेज का हम डेटा भेजेंगे, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें जो डेटा शो होगा वो लास्ट 30 डेज का होगा, ठीक है। अब देखो लास्ट 30 डेज में हमारे कितने यूज़र आए हैं, 9167 यूज़र, इतने न्यू यूज़र हैं हमारे, इतने सेशंस हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लगाते हैं क्लाइंट को मेल में जो भेजते हैं हम गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं इतना और हम भेज देते हैं। अब क्या होता है कि हम कंपैरिजन करके भी भेजते हैं, तो यहाँ से कंपेयर करने का ऑप्शन भी आता है। जैसे अब यहाँ पे हमने लास्ट 30 डेज क्लिक किया इस पर, ठीक है, सिलेक्ट किया लास्ट 30 डेज, तो यहाँ से आप कंपेयर टू, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो उसके पहले जो लास्ट 30 डेज थे वो उनसे जो है हमारा कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ जैसे अप्लाई करेंगे हम, तो ये देखो हमारा जो है कंपेयर करके हमें रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जो अभी हमारा है इसको कितना इंक्रीमेंट हुआ हमारा, 11.74% इंक्रीमेंट हुआ है यूजर्स में, ठीक है, न्यू यूजर्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 12.65% इंक्रीमेंट हुआ है हमारा, सेशन में कितना इंक्रीज हुआ है, इतना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कंपेयर करके हम रिपोर्ट भेज देते हैं। अब देखो कभी कभी होता है कि मान लो कि अभी जो है ये पेंडेमिक जो हमारा चल रहा था कोरोना का, तो बहुत ही यूजर डाउन हो गए थे, तो फिर हम जो क्लाइंट को रिपोर्ट भेजते थे वो कंपेयर करके नहीं भेजते थे भाई, हम क्लाइंट को अगर पॉजिटिव नहीं दिखा रहे हैं तो निगेटिव नहीं दिखाना चाहिए ना हमें, ये हमें चीजें ध्यान रखना है कि जब क्लाइंट को हम रिपोर्ट भेज रहे हैं तो हमें निगेटिव कोई भी चीजें नहीं दिखानी है। अब जैसे अगर हमने हम पॉजिटिव रिपोर्ट जैसे हम भेजते हैं, अभी रिपोर्ट भेजेंगे, अगर इसका रिपोर्ट बनाएंगे तो हम इसको जो है ये चीजें इतनी सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इनमें से जो नेगेटिव है ना वो हटा देंगे, ये क्लाइंट को हम नहीं दिखाएंगे, कि क्लाइंट को हम कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम रिपोर्ट भेजेंगे तो कोई भी अगर माइनस में आ रहा है हमारा रिपोर्ट, उसको हम हटा देंगे, उसको हम क्लाइंट को बताएंगे नहीं कि ये चीजें हमारी निगेटिव में आ रही है, ठीक है। हम जो हमें पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं वही हम दिखाएंगे सिर्फ क्लाइंट को, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था,
हाँ बताइए सर, जैसे हमने एक बार हमारा सब पॉजिटिव है तो हमने क्लाइंट को भेज दिया सारा पॉजिटिव, और नेक्स्ट टाइम अगर हम उनमें से तीन ही भेजेंगे तो वो बाकी का नहीं मांगेगा फिर? नहीं नहीं इतना ध्यान नहीं देते हैं, इतनी चीजें हम उनको बता, मतलब पहली बात तो आज तक मतलब हमने जितने भी मतलब मेल किए रिपोर्ट भेजी है तो ऐसे क्लाइंट पूछते नहीं है वैसे। बाकी उनको मेन चीज देखो, इनमें मेन चीज क्या होता है, हमारा यूजर ही तो है हमारा मेन क्लाइंट, जो देखेगा वो उसको दिख जाएगा कि यूजर हमारे इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, तो उनको इन सब चीजों से ज्यादा मैटर नहीं करेगा। अगर मान लो सपोज वो पूछ भी रहा है तो मान लो कोई कोई क्लाइंट होता है कि वो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होता है तो वो कह देते हैं कि हमें जो है अकाउंट एनालिटिक्स अकाउंट हमें अगर हमने क्रिएट किया है अपनी आईडी से क्रिएट किया है तो बोलते हैं कि हमें जो है जिनको नॉलेज होता है वो क्लाइंट बोलते हैं कि हमें हमारी आईडी पे शेयर कर दो, तो हम उनकी आईडी पे भी शेयर कर देते हैं तो वो देख भी लेते हैं, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मान लो पेज व्यू किसी, मान लो कि आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, अब कोई यूज़र आया, कोई कोई यूज़र होते हैं कि 10 पेज ओपन करते हैं फिर वो कुछ नहीं परचेस करते, क्लोज कर देते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे यूज़र तो इंक्रीज हुए ही हैं, अब पेज व्यूज मतलब कोई कोई क्लाइंट होता है कि एक पेज पेज मतलब सीधे प्रोडक्ट पेज पे गया, उस पे पेज को परचेज किया और बस उसने क्लोज कर दिया, ठीक है, तो उसने तो सिर्फ एक ही पेज ओपन किया लेकिन सेल्स तो हमारी आ गई ना, मतलब उसने परचेज तो कर ही लिया है ना। तो ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, जो चीजें हैं। अब जैसे मान लो कि नेगेटिव चीजें आ रही हैं इसमें तो हम सीधे करके नहीं भेजेंगे, फिर ऐसे ही हम रिपोर्ट में अटैच करके फिर जो है कंपेयर करके नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या है, यहां से हम कंट्री भी देख सकते हैं, यहां से लैंग्वेज में, अभी तो ये लैंग्वेज दिखा रहा है, अब यहां से हमने कंट्री पे सिलेक्ट किया तो ये रिपोर्ट भी हम क्लाइंट को भेजते हैं, ठीक है। यहाँ से हम दिखाते हैं कि यूएस में जो है हमारे इतने यूजर इंक्रीज हुए हैं, यहाँ से इतने विजिटर इंक्रीज हुए हैं, यहाँ इस कंट्री से इतने इंक्रीज हुए हैं, यहाँ से हम जो है ये डेटा अपना हम जो है रिपोर्ट में अटैच करके भेजते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी ऑडियंस पे बता रहे हैं आपको, तो ये जो है हमारे यहाँ से हम सिर्फ कंट्री भेजते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं भेजते हैं, अगर डिटेल में भेजने लगे तो बहुत लंबी रिपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो जो मेन मेन चीज़ें हमारी होती हैं रिपोर्ट की वो हम चीज़ें भेजते हैं, तो यहाँ से हम ये चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं कि कंट्री वाइज क्लाइंट जो है हमारा देख लेगा कि किस कंट्री से कितने यूज़र आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख लेगा, यहाँ से यूज़र डिटेल सारी चीज़ें देख लेगा, ठीक है। अब वैसे अगर डिटेल में हम देखना है तो सिटी में भी देख सकते हैं कि सिटी वाइज जो है कितने यूज़र, न्यूयॉर्क में देख सकते हैं कि पहले लास्ट टू लास्ट मंथ जो आए थे वो 504 आए थे, अभी जो लास्ट मंथ आ रहे हैं वो 460 आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम सिटी वाइज भी देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह देखना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर देखना चाहते हैं, स्क्रीन रिजोल्यूशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से दिखा देगा, ब्राउज़र देखना चाहते हैं किस ब्राउज़र से हमारी वेबसाइट ओपन हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखना चाहते हैं कि किस ओएस से हमारी वेबसाइट ओपन हुई है, तो ये जो है ये सारी चीज़ें डिटेल में हमारा दिखाता है। जो अभी पुराना गूगल एनालिटिक्स है हमारा बहुत बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से और इजी वे में दिखाता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर, ओल्ड न्यू ये वाला सर पुराना वर्जन है। हाँ ये पुराना वर्जन है, ठीक है। अभी हम आपको दोनों वर्किंग होंगे ना, अभी तो न्यू और ओल्ड। देखो अभी अगर आप न्यू वेबसाइट का अगर गूगल एनालिटिक्स क्रिएट करेंगे तो आपको पुराना नहीं मिलेगा, आपको वो सिर्फ नया ही मिलेगा, ठीक है। जो हमारे पहले जो पहले हमने क्रिएट कर रखा है उसमें अभी पुराना ही इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इससे हमें डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। अभी जो नया है उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उसमें आपको वो एनालिटिक्स भी दिखाएंगे। उसमें जो हमारा कोड आता है तो उसमें स्ट्रीम के नाम से आता है, वो भी हम आपको बताएंगे उसकी भी सारी चीज़ें, ठीक है। अभी ये वाला आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हम गूगल एनालिटिक्स से क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम वेबसाइट की ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिटेल में बता पाएंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ से एक्टिव यूजर दिखाएगा,
वन डे एक्टिव यूजर, 7 डे एक्टिव यूजर, 14 डे एक्टिव यूजर और 28 डे एक्टिव यूजर। ठीक है, ये चीजें समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा है ऑडियंस ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ से देखो हमें बहुत सारी चीजें हैं, डेमोग्राफिक है, मतलब अलग अलग तरीके से हम रिपोर्ट बना सकते थे, बहुत सारे इसमें ऑप्शन थे। ठीक है, रिपोर्ट बनाने के यहाँ से डेमोग्राफिक में दिखाएगा आपको, यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आ गया, तो 10 मिनट बाद क्लास जो है क्लोज हो जाएगी, तो आप सेम लिंक से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जो है डेमोग्राफिक में दिखाता है हमारा, ये यूजर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से फीमेल मेल फीमेल दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें हम क्लाइंट को जो है नहीं भेजते हैं, जो क्लाइंट को हम भेजते हैं वो हम क्या क्या भेजते हैं, एक ऑडियंस भेजते हैं। यहाँ से हम क्या फिर इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो है एक बिहेवियर में जाएंगे, यहाँ से न्यू वर्सेस रिटर्निंग भेज देते हैं। ठीक है, कि न्यू यूजर कितने थे, रिटर्निंग यूजर कितने थे। तो यहाँ से हम जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैं दिखाएगा न्यू विजिटर्स में। ठीक है, लास्ट लास्ट मंथ जो था वो इतने थे और लास्ट मंथ के इतने हैं। ठीक है, रिटर्निंग विजिटर्स जो है हमारे वो लास्ट लास्ट इतने थे और अभी जो लास्ट मंथ में इतने थे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से जाके इस पे देख लेते हैं कि किस किस सर, हाँ बताइए सर, न्यू यूजर ज्यादा होते हैं तो पॉजिटिव माना जाता है कि रिटर्निंग यूजर ज्यादा होते हैं? देखो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, जैसे कंपेयर करके दिखा रहा है ना हमारा, ये कंपेयर करके दिखा रहा है। ठीक है, तो जो लास्ट टू लास्ट मंथ था वो मान लो रिटर्निंग यूजर हमारे 50 थे। ठीक है, और जो अभी लास्ट मंथ के जो यूजर है मान लो वो 60 हो गए, तो वो हमारे इंक्रीज हो गए रिटर्निंग यूजर, है ना। और जो न्यू यूजर है वो अलग है, रिटर्निंग यूजर जो है वो अलग है। न्यू यूजर जो होंगे हमारे मान लो कि लास्ट टू लास्ट मंथ जो थे वो हमारा जो है मान लो 100 थे और लास्ट मंथ के में 120 है। ठीक है, तो वो जो हमारे इंक्रीज हो गए 20%। ठीक है, तो यहाँ से हम मोबाइल में जाके ओवरव्यू में देखेंगे, तो यहाँ से चेक करेंगे, चेक कर पाएंगे हम कि मोबाइल से जो है इतने यूजर आए हमारे, डेस्कटॉप से इतने यूजर आए हैं और टैबलेट से हमारे इतने यूजर आए। ठीक है, तो यहाँ से हम ये रिपोर्ट भी क्लाइंट को भेजते हैं। तो हम जो एक तो हमारा ऑडियंस में ओवरव्यू की रिपोर्ट भेजते हैं, यहाँ से बिहेवियर में देखते हैं, तो यहाँ पे न्यू वर्सेस रिटर्निंग का भेजते हैं हम। ठीक है, फ्रिक्वेंसी रेसेंसी ये जो है ज़्यादा डिटेल में हम नहीं भेजते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा हम आपको सब चीज़ें बताएंगे अभी, क्योंकि ये गूगल एनालिटिक्स से बहुत बड़ा है, इसमें 2-3 क्लासेस शायद हमारी जो है लगेंगी। ठीक है, पूरा कंप्लीट होने में अभी हम जो है ब्लॉगर पे आपको इसका कोड जो है पूरा उसमें इंस्टॉल करके फिर सारी चीज़ें हम बता देंगे। ठीक है, कैसे हम कोड डालते हैं उसमें और कैसे वेरीफाई मतलब जो यहाँ पे ट्रैकिंग हो जाती है हमारी। इसके बाद हम क्लाइंट को क्या भेजते हैं, एक्विजिशन। एक्विजिशन में ओवरव्यू में जाते हैं, यहाँ से हमने कंपेयर कर रखा है तो यहाँ पे सिर्फ हमें परसेंटेज दिखा रहा है अभी। यहाँ से एक बार हम कंपेयर हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कंपेयर यहाँ से हमने हटा दिया, तो यहाँ पे हमें यूजर दिखाएगा अब। ठीक है, देखो डायरेक्ट से हमारे जो है 5877 यूजर आए हैं। ये देखो हमारा पेड सर्च, जो हम पीपीसी चलाते हैं ना, तो ये हमारा पीपीसी का रिजल्ट दिखा रहा है। पेड सर्च से हमारे 650 यूजर आए हैं। ईमेल मार्केटिंग जैसे आप लोग करते हैं, आपको देखते होंगे कि मेल आते हैं, बहुत सारे प्रमोशनल मेल आते रहते हैं ना फ्लिपकार्ट में, जैसे कोई ऑफर आ रहा है तो मेल कर देते हैं। तो जो हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं उसके थ्रू, जैसे हम अगर किसी ने हमारी वेबसाइट विजिट किया है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर सोशल से कोई भी यूजर आया, जैसे अपने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाला है, कोई प्रोडक्ट डाला हुआ है, अपना पोस्ट डाल दिया है, प्रोडक्ट प्रमोट किया है फेसबुक पे, तो अगर आप कोई भी सोशल मीडिया साइट से अगर आपने वेबसाइट विजिट किया है तो यहाँ पे हमारा सोशल में दिखाएगा वो। अगर आपने ईमेल के थ्रू वेबसाइट विजिट किया है तो यहाँ पे ईमेल में दिखाएगा। अगर आपने पीपीसी पे क्लिक कर दिया है, जैसे जो ऐड आते हैं ना ऊपर, उस पर आपने क्लिक किया है तो यहाँ पे पेड सर्च में दिखाएगा। ठीक है,
अभी पीपीसी में डिस्प्ले सर्च भी दिखाता है, अगर डिस्प्ले ऐड चला रखी है आपने पे, देखो ऐड भी बहुत तरह की होती है, तो जो है किस किस ऐड के थ्रू आप आए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हमें दिखाता है अलग अलग, ठीक है। तो ये पेड है हमारा सर्च से, जो सर्च ऐड हमने चला रखी है, इसने मतलब सर्च ऐड चला रखी है तो उसके थ्रू आ रहा है ये, ठीक है। उसके थ्रू कन्वर्जन, देखो इसका कन्वर्जन अभी हम आगे बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक है ये, देखो लास्ट में हमारा कन्वर्जन भी है, कन्वर्जन क्या होता है, कैसे हम सेट करते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। तो ये रेफरल क्या होता है, रेफरल अभी आप लोग शायद, जैसे हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी जो है वेबसाइट में जो हाई डी ए पी ए वेबसाइट होती है उन पे हम अपने यूआरएल जो रेफर कर देते हैं, तो वहीं से जो हम अपने उस पे लिंक लगाते हैं, वहां से जब हम वेबसाइट विजिट करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारा जो है वो क्या होता है, वो रेफरल में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है इसमें, तो ये 6 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए। डायरेक्ट से हम अगर हमने डायरेक्ट सर्च बार पे यूआरएल उसका डाल दिया वेबसाइट का, तो वो डायरेक्ट में जाएगा। ऑर्गेनिक सर्च क्या होता है, जैसे आपने गूगल पे सर्च करके फिर गूगल सर्चेस पे जाके क्लिक किया उस वेबसाइट को, तो हमारा ऑर्गेनिक होता है वो। रेफरल क्या होता है, अगर आपने किसी अदर वेबसाइट, जैसे कि सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, जो मतलब अदर बहुत सारी वेबसाइट पे लिंक होते हैं जो हमारा एक रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस वेबसाइट जो हमारी होती है, वहाँ से अगर आपने विजिट किया है तो हमारा रेफरल में दिखाएगा। अगर आपने पीपीसी पेड जो ऐड आपको दिखते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे यूट्यूब पे भी ऐड आते हैं, आपने वहाँ से किया तो यहाँ पे दिखाएगा कि जो वीडियो ऐड से पेड वीडियो से आ रहे हैं जो है यूज़र, तो ये जो है अलग अलग हमें दिखाएगा, ठीक है। सोर्स मीडियम ये सारी चीज़ें हमें दिखाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया ना सर? इसमें मेन फोकस किस पे रहेगा, मेन अपना ऑर्गेनिक सर्च? हाँ हाँ, जैसे हम गूगल के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा जो मेन जो हमारा रहेगा वो ऑर्गेनिक सर्च रहेगा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, रेफरल भी हमारा होता है, क्योंकि जो हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं, जो बैकलिंक हम क्रिएट करते हैं तो वो हमारा रेफरल में काउंट होता है ना। और मान लो कि अगर कोई एक ब्रांड है, कोई जैसे ब्रांड है हमारा, ब्रांड भी सर्च करते हैं, जैसे पूमा वगैरह है, ये सब ब्रांड है। तो अगर आप कोई, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है वो एक ब्रांड है, जैसे हमारा हमने आपको द मूसे लिंक, द मूसे वाला एक प्रोजेक्ट दिया था आप लोगों को, आप लोग जिनको वर्क दिया गया था तो सिर्फ 3 मेल आए हमारे पास, तो उनमें से 3 लोगों ने अभी जो है मेल नहीं किया है कीवर्ड हमें। मैंने कीवर्ड चेक किए थे आप लोगों के, अब ज्वाइन हो रखे, ज्वाइन है इसमें? यस सर। हाँ ठीक है, वैसे आप लोगों कीवर्ड निकाला है, आप लोगों ने अच्छी कोशिश की है, चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, लेकिन द मूसे वाले के जो कीवर्ड निकाले थे वो किसने निकाले थे? शिवानी ने। आयुषी का मेल आया हमारे पास, ये जो है ये सॉफ्ट कोर कॉन्सेप्ट के थे, ये ठीक है, ये कीवर्ड जो है ठीक है, अच्छे कीवर्ड है, ये हम क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। ये जो दाम ऊसे वाले कीवर्ड हैं शिवानी ने, हाँ ठीक है। तो ये जो है क्या है कि ये जो सारे कीवर्ड में आपने दाम ऊसे ड्रिंक मतलब दाम ऊसे यूज़ किया है ना, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे जैसे हम हैं तो हमें ब्रांड का नाम तो पता नहीं है ना, ये एक ब्रांड है, ठीक है। तो हमें तो अभी ब्रांड का नाम पता नहीं है, तो हम प्रोडक्ट जनरली हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ठीक है। तो दामू से एक दो कीवर्ड में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सारे कीवर्ड में दामू से यूज किया हुआ है, तो हम सारे कीवर्ड में दामू से यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ तो और भी जैसे हम जैसे कैटेगरी बनी हुई है ना, जो है कॉकटेल पार्टी, कॉकटेल ड्रिंक्स, ऐसे जो है कीवर्ड हम जो है इसके बेसिस पे हम कीवर्ड बनाएंगे, ठीक है। हाँ
कोशिश अच्छी की है, बढ़िया आपने जो है ऐसे, आप धीरे धीरे ऐसे ही सीखते हैं, एक बार में हम लोग नहीं सीख जाते हैं, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे हम, जो आप कीवर्ड सजेशन हो गया, अभी हम इस वीक में जो है वीकेंड तक हम और भी जो भी बचे हुए हैं जो मतलब करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी 22 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मतलब 20 स्टूडेंट हैं जो कि मतलब चीज़ें करना चाहते हैं, इंटरेस्ट